मेरा। देखो भाई, हमने तो अपना फर्ज निभाए दो है, अब जे जाने और इनको काम जाने, सुना? बिमलेश को हमने सब समझाए दो है। बाको का समझाने, वह तो खेली खाई बच्ची है। नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि बा फिमलेश अपनी मतलब बच्ची थोड़ी है, समझदार बच्ची है, इतनी उम्र हो गई बाकी बाको कसम जाने हैं। तो माओ यार हमारे पास। अरे पहले हम गहना तो उतार लें। गहना का उतार लें? तो गहना पहन के सोइए का। अबे सोने कौन को है? तो कबड्डी खेलने का? ना ना, हमारा वो मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि हम लोग मिलके पुरानी यादें ताजा करते हैं ना। कौन सी पुरानी यादें? आओ बताएं। अरे यार तुम सब भूल गई हैं? सुनो रज्जू, तुम अच्छे से याद करो 20 साल पहले की वो कड़कड़ाती रात, जब हमारी तुम्हारी सुहागरात हती हैं? कैसे एकदम यार कप कपाती थी रजाई में, एकदम ऐसी दुबकी पड़ी थी तुम, और जब हमने कप कपाते शरीर से कमरा में प्रवेश करूं ना, हाय हाय हाय, तुम्हें हमने एक नजर देखो और हम तारू मतलब हमारे जो अरमान हते ना वे एकदम फूलन की तरह खिल गए। फिर कहा, फिर हम आए तुम एकदम घूंघट में अपनो ऐसो मुखड़ा छुपाए बैठी थी, और हमने जैसे ही वो घूंघट रज्जू हटाओ, आई 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 ऐसो लगो कि हजार हजार वाट की 2 ठैया LED बल्ब जल गई घर में। तुम्हारी जैसी गोल गोल गाल साली ऐसी दगदगा रही थी, मेरे को तमतमा रही थी। हमें अभी भी वो नजारों भूला तो नहीं है। फिर याद है हमने शर्मा के जब घूंघट हटाओ तो तुमने अपनी मुंडी ऐसी नीची कर ली, फिर हमने ठुड्डी पकड़ के, पता है हमने कब बोलो तू? बेनी का कर रहे है बे? नहीं, जो ना बोलो तू ससुर, सुहागरात में बेनी कहाँ से आ गो? हमने पता कब बोली थी? हमने बोली थी आई लव यू रज्जू ससुर। हम 20 साल पुरानी बात ना कर रहे हैं, हम जो तुमसे पूछ रहे हैं कि बेनी का कर रहे है ये? अबे यार बासे कल एनु देनु यार अपन के कि बेनी इतने टाइम का कर रहोगे, और तुम्हें ज्यादा कुजली हो रही है तो सवेरे अपनी बहन से पूछ लियो ना तुम, इतने मूड की मतलब तुम इतने बढ़िया बनो है मूड। अरे हम जो कह रहे तुम्हारा दोस्त है ना वो, हाँ तो वो तुम्हें पता हो ना कि बाको रोमांस करने का तरीका का है। क्या कही तुमने? रोमांस करने का तरीका का है बाको? बेनी को? वो हमसे पूछ रही? तुम्हारा यार दिमाग ठिकाना है कि नहीं है? हमने बाकी संग में बड़े सारे रोमांस कर रही है, जो हमें पता हो बेनी को रोमांस करने को का तरीका है। अरे हमारा मतलब जा है कि वो तुम्हारा दोस्त है तो कम से कम ऐसी बातें साझा करत हो ना तुमसे, तो वो ही पूछ रहे हैं। अरे ऐसे कछु साझा नहीं करो, एक आध बार मतलब बाने चर्चा करी है। का का का? अरे तब करी थी जब बिमलेश से वो मिलो भी ना तो, बाको देखो भी ना तो, बाकी बहुत पुरानी एक गर्लफ्रेंड थी, तब की बात है। फिर बाकी बात कब? आगे कछु नहीं। फिर वो जो गर्लफ्रेंड थी, एक बार वो बहनी बाकी साथ में रोमांस कर रहो तो, और रोमांस करते करते वो इतनो खो गओ, इतनो डूब गओ के रोमांस करते 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 बहनी ने वो बिटिया को कुआं में धक्का दे दो। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम यही तो सुनना चाह रही हो ना? तुम क्या सुनना चाह रही हो? एक तो तुमने सारो रो रो के बाद लौंडा की शादी करवाई, एक्सपायरी डेट हुआ जा रहा है वो आदमी, तुमने अब जाके बाकी शादी करवाई, और जैसे तैसे सारी शादी हो गई है बाकी सुहागरात में घुसी जा रही हो तुम। बाकी सुहागरात में का हो रहा हो घुंजा, अपने को का लेने देना यार, तुम बामे काय घुस रही? तुम हम में ध्यान दो ना, तुम पूरी बात ही ना समझ रही, हमने इतना बढ़िया माहौल बनाओ तू। देखो अबे फिर यादें ताजा हो रही हैं, फिर जब हमने तुम्हारी ठुड्डी ऊपर करी और तुम्हारी आंखन में जब झांकू तो याद है मैं तुम्हारी आंखन में का देखो तो, तुम्हारी आंखन में ऐसे लाल लाल डोरा जो ऐसे होते हैं ना, ऐसे कप कपा रही थी तुम, लाल लाल आंखन में डोरा दिख रही थी, और तुम्हारो जब हमने बदन छू के देखो तुम बिल्कुल कांप रही थी, लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर तप रहो तो ठंड में, तुम पता क्या कर रही थी? ऐसे कर रही थी। फिर पता
हमने तुम्हारी फिर गरम गरम हाथन के छूके कबूली थी। बिने रोमांस कब से ना करो है? ये कहाँ रह गए? हपुआ के पपुआ, ओ हपुआ के पपुआ। अच्छा, अब हम पपुआ हो गए ना? जब हप्पू जैसी पप्पू औलाद पैदा करोगे तो पपुआ ही कहलाओगे ना। वाह 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 वाह, ऐसे कह रही हो जैसे हप्पू के पैदा होने में तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं है। हप्पू को छोड़ो तुम, हमने तुम्हारी जो प्रबल इच्छा थी ना वा पूरी कर दी। ये बात तो है कट्टो, तुमने बेनिया के हाथ पीले करवा के तो बहुत ही अच्छा किया। हाँ हाँ, हमें भी ऐसे ही लग रहा हुआ है। बेनिया भी तो हमारो बेटा जैसा है को। जब बा की माँ को वो तबलची भगा के ले गयो हतो ना, तब बेनिया 2 साल का तो हतो। उसका बाप दारू पी के पड़ा रहता था मेरी तरह। हाँ, लेकिन हम भागे ना। लेकिन बेनिया ने भी ना बड़ी मेहनत करी, दिन रात एक करके वकालत पूरी करी। सही कह रही हो कट्टो, पता है तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी से तू मुक्त हो गई हो। हाँ हाँ, जा बात में तो कोई शक ना है। एक बात बताए, ये बेनिया की शादी की बात करके ना मुझे हमारी शादी की बात याद आ गई। पता है पहली रात को तुम इतना शर्मा रही थी कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम पे कहीं जुर्म तो नहीं कर रहा हूँ। सच्ची बताए, अगर हम नाटक ना करते ना तो तुम तो जुलम करने पे उतारू होते। अरे कट्टो रानी, हम तो चाहते हैं कि तुम इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहो और शर्माती रहो। सुनो जी, वो हमारो गाना सुनाओ ना, फेवरेट। कौन सो? मेरे महबूब तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम। हाँ तो अभी सुनो, मेरे महबूब तुम। एक मिनट, टेप धरो है ते, खाए अपने गले को कष्ट दे रहे हो। ससुर, स्वच्छता अभियान को तो हम भी पालन करना पसंद करते हैं, लेकिन कभों कभों जंगल को बड़ो मिस करते हैं। बेबी कद ना थी बताओ, जब सारो जंगल जाते थे मिथुन को गाना गुनगुनात भाई, तुम्हारो दिल या हमारो दिल है जे हाल मस्की। आज तक घुइया समझ में ना हो कि जिहाले के बाद बिस्की है कि रम है कि सोडा है, लेकिन गानों बढ़िया है। तू बैनी से पूछेंगे। बैनी, बैनी काय बे, बैनी बैनी कौन है बे? तुम्हारे बाप अभी हम हैं यार, तू ऐसे बाहर का ही पढ़ो है?
का होगा वो ऐसे बाहर काई पड़ो उल्टा पहन लिया रुको पहले यार खुमारी तो उतारने दो नींद की हाँ अब बताओ आराम से बताओ बाहर काई पड़ो हाँ पूछो क्या पूछ रहे थे बाहर ऐसे काई लेटू अरे यार सब चचा गालिब की गलती है हमने जो है चचा गालिब की शायरी सुनाई हाँ? लेकिन बिमलेश को समझ में ना आई तो फिर हमारा सर जो है ना भन्नाया हम सीधे यहाँ चले आए और थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो उसको टिका लिए फिर आओ तो मतलब इतनी पड़ गए और इतनी सो गए अरे यार कसम से कह रहे यार बहुत लपू झन्ना हो ऐसे पड़ोगे जैसे कोई ने जारू लात मार के कुत्तन जैसे बाहर फेंक दो वही शादी की पहली रात ही तेरे गर्दन में बस कांपड़ा घुस गऊ है जारे पुरुष कहलाने के लायक नहीं है तूने हमारी सब नाक कटा दी हट हट अरे नाक कटा के दर दई क्या बात कर रही हो मतलब कल रात कछु ना भाओ तूने ही तो कहा नखरे करती रहना बस वही करती रही मतलब तुम फिसले ही ना बिल्कुल भी फिसलने का तो बहुत मन कर रहा था बेनी जी की मासूमियत देखकर लेकिन तेरा वॉइस ओवर जो चल रहा था ना रुक जा क्या कर रही है बस वही रुक रही थी मैं हमें माफ कर दो तुम तू क्यों माफी मांग रही है नहीं हमें ये सब करना ही नहीं चाहिए तो तूने क्या कर दिया हमने कही थी कि तुम सिर्फ घोड़े को ना लगाम खींच के रखो तुमने घोड़े का मुंह बंद कर दो मैं तो तेरे नक्शे कदम पे चल रही थी जी हमारी गलती है हमें लगो हो तो कि तुम हमारी बात सुनियो ही ना और तुम बहक जाइयो बहकने का तो बहुत मन कर रहा था लेकिन तेरी नसीहत रोक रही थी मुझे बार बार अरे तो बहक जाती ना तुम कहे ना बहकी तेरी बात टाली है क्या मैंने कभी हमें बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारा जो सुहागरात है ना हमारी वजह से बर्बाद चली गई हो गई वो तो बर्बाद अब हम तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे तेरे इम्तिहान के चक्कर में मेरी तो रात गई ना लेकिन तुमने हमारी बात कहे मानी और पता है ये सब तो एक सगुन होता है वो कहा है जब दुल्हन ब्याह के नए घर में आते है ना तो जो बहन है ना उल्टी सीधी पट्टी पड़ाते है बाको तो तू मुझे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही थी ये गलत किया तूने नहीं ये गलत किया है अरे हम जो कह रहे हैं उल्टी सीधी पट्टी ना हमारी बात तो सुनो तुम पहले क्या हम जो कह रहे हैं कि अबे सुहाग रात खराब भई है ना सुहाग दिन तो बाकी है हुँ? एक बात कहूं नौ नौ बच्चे हो गए तेरे लेकिन शरारते आज भी वैसी है पी ले ओ जूस दो दिए तुम्हारे मुंह में यार ये क्यों मैंने गालिब का शेर कल रात को पेल दिया खामखा रायता फैल गया है पूरा अरे बेनी अंकल कैसे हो हेलो बेनी अंकल नमस्ते 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 आ गए कर्जदार पैसा मांगने और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो वैसे क्या हुआ आज आपकी जुबान से रस टपक रहा है कहीं अपनी बात से मुकरने का इरादा तो नहीं है आपका ना ना ऐसा सोचियो भी मत वरना पता है अरे यार धमकी क्यों दे रहे हो बे हमने ऐसा कुछ कहा क्या तुम लोगों से तो फिर वादे के मुताबिक 10,000 की पहली किस्त दे दो बेनी अंकल हाँ बड़े दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई लो 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 अबे आइसक्रीम तो 10 रुपए की मिलती है मतलब 10,000 रुपए की आइसक्रीम के बारे में तो हमने कभी सुना नहीं है नहीं नहीं ना हम आइसक्रीम खाने के बाद शॉपिंग भी करने जाती हैं बाद में कपड़े भी तो खरीदने अच्छा तो ये बताओ बच्चों कि मतलब कपड़े उपड़े लेके जब आओगे तो घर वालों के सामने घर वालों को क्या बताओगे कहाँ से लाए क्या आपको क्या है
हम जो भी करें हमारे घर पे वो हमारा टेंशन है ना, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आप बस हमें कैश दो। हाँ। अरे सुनिए, जल्दी अंदर आइए। अरे यार, लगता है रात की शायरी की क्लास अब ली जाएगी। बेटा, वो तुम्हारी चाची मौसी जो भी है वो बुला रही है, तो हम अभी गए और कभी नहीं आए। हैं? इन्होंने बोला ना कभी नहीं आए। विमलेश, सॉरी, वो कल रात के लिए। रात गई बात गई, चलो अच्छी सी शायरी सुनाओ। ये शेर सुनाने को कह रही है, इस बार हम चाचा गालिब को नहीं सुनाएंगे, कोई सस्ता सा शेर चिपका देंगे। सुनिए ना, कोई अच्छा सा शेर सुनाइए ना। अर्ज क्या है? नहाना है तो गहराई में आओ, किनारों में क्या रखा है? नहाना है तो गहराई में आओ, किनारों में क्या रखा है? प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है? इनके तो घोड़े खुल गए जी। ये शायरी सुना रहे थे या मुझे छेड़ रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो शायरी ही सुना रहा था। ये शेर था जी? ये शेर था। Are you sure? शेर? अच्छा, तो ये शेर था, तो ये क्या है? अर्ज किया है। इरशाद। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। जला है जिस्म जहां, दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख, जिस्त जो किया है। पूरा दीवाने गालिब मुँह ज़बानी याद है, कभी फुर्सत से सुनाएंगे। कमाल है, मतलब इस मामले में तो तुम हमारी दादी अम्मा निकली एकदम। तो फिर इस नाचीज के लिए दो लफ्ज हो जाए। अशियार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, अशियार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए है।
बदन टूट रहा हूं का यार अप्पू, ऐसा लग रहा है जैसे मैच जीत लिया वर्ल्ड कप। अच्छा जो बता, ऐसू गलत फहमी मतलब मत पाल लइए कि एक ही मैच जीत के तू विराट कोहली हो जाएगा। हर मर्द को लगता है कि वो जीत रहा है, सबको, तेरी अकेली बात ना कर रही, लेकिन असल में वो जीत तो एक ना है, वो हार तो जातो है, हार तो जातो है, लेकिन जब हार में ना बाकी जीत छुपी होती है। नहीं आई समझ में तुम्हारी फिलॉसफी, नहीं समझ पा रहे मतलब कहना क्या चाहते हो। समझ, बात ऐसी है बहनी, खरबूजा होता है ना जो गुजारो चूरी पे गिरे और या चूरी खरबूजा पे गिरे, दोनों सूरतन में ना नुकसान खरबूजा को ही है, मतलब चोट खरबूजा को ही लगती है। आप समझो, ये बताओ यहाँ पर हम मतलब छुरी हैं कि खरबूजा? असल में बेनी तू वो खरबूजा है गो जो उनकी बिमलेश सारी फांके तराश देगी। कहा मतलब? मतलब ना पूजा भे, मतलब तो को एक साल बाद समझ में आएगो, सारे सारी गुलनिया याद आ जाएंगी। ऐसे चुमूलाल, ऐसे वक्त के लिए गालिब साहब कह गए हैं, अर्ज किया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। गाले भाई तेरू कल्याण करेगो एक दिन। ना ना, अपनी पहले तेरी औलाद होगी ना पहली, वह लोंडा को नाम गाले भाई रख दई तुम, बाकी कछु ना होने तुम। आओ गालिब बेनी प्रसाद। गालिब प्रसाद, क्या बात है।